أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن أولياؤه إلا المتقون وقال في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت مکرم و محترم قابل ست تکریم عزت ماب عظیم صوفیہ کرام عظیم علماء کرام جمیع عاشقان رسول محبین اولیاء کرام اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کے اس عظیم عرس مبارک کی اس خوبصورت تقریب میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم اصحابی کالنجوم وارث سوز مولا روم حضور قبلہ حضرت خواجہ پیر عبداللہ المعروف پیر بارو کریم اور حضور حضرت خواجہ فقیر محمد باروی رحمہم اللہ تعالی علی قبورہا و اجسادہا علی قبورہما و علی اجسادہما اور جمیع جتنے بھی اولیاء نقشبند ہیں صوفیاء نقشبند ہیں اللہ کریم ان کے تصدق سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات میں سے کچھ حصے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے اس کی روشنی میں چند اہم باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا میں تو یہاں ایک ادنا سا گدا بن کے آیا ہوں نہ کوئی انداز تکلم ہے نہ ہی کوئی علمی طور پہ کچھ دامن میں ہے یہ خانوادہ بارو شریف ان کی کرم نوازیاں ہیں کچھ باتیں سنا کے اپنا درد دل آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا ایک بار بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے یہی فکر بارو شریف ہے سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم پہ بھی کرم
सैयद अबरार करेंगे हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। और सरकार की तारीफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की जात व बरकात आपकी तारीफ व तौसीफ यही हर बंदा मोमिन उसके दिल की धड़कन का तकाजा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का प्यार और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात व बरकात से ताल्लुक यही मकसद हयात है। ये शेर आपने मेरे साथ मिलके पढ़ना है ज़रा बाजू उठा के, उसके बाद आपको इतनी जहमत नहीं दूंगा। है गुंबद खजरा पे मेरी जान भी कुर्बान, है गुंबद खजरा पे मेरी जान भी कुर्बान, नामूस रिसालत पे मेरी जान भी कुर्बान, नामूस रिसालत पे मेरी जान भी कुर्बान, है खत्म नबूवत पे मेरी जान भी कुर्बान। ये जुर्म अगर है तो लख बार करेंगे, ये जुर्म अगर है तो लख बार करेंगे, हम पे भी करम सईद अबरार करेंगे। और जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा कर, भाई जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा कर, सरकार की बातें दरो दीवार करेंगे, सरकार की बातें दरो दीवार करेंगे, हम पे भी करम सईद अबरार करेंगे। और निस्बत वालों के लिए ये शेर है, यहाँ तो आए ही सारे निस्बत वाले हैं, कि मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा इंशाल्लाह, मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा, क्यों हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम पे भी करम सईद अबरार करेंगे। और आखिरी शेर, भाई जिस रोज कोई और मददगार न होगा बगैर इज़्ने मुस्तफ़ा, जिस रोज कोई और मददगार न होगा उस रोज शफात मेरी सरकार करेंगे, उस रोज शफात मेरी सरकार करेंगे, हम पे भी करम सईद अबरार करेंगे। मुअज़्ज़ज़ आशिकान रसूल मुहिबीन औलिया कराम, अल्लाह पाक की ज़ात बबरकात ने अपने बंदों को बड़ी बड़ी अजीम नेमतें दे के भेजा। नबियों और वलियों के इस दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि वो लोगों की मुश्किल कुशाई करें, लोगों की हाजत रवाई करें, मुश्किलें हल करके लोगों को उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान करें। वरना नबियों के आने का मकसद क्या है? जिस मौजू पे मुझे गुफ्तगू की सआदत का शर्फ मिल रहा है उसमें मकाम मुस्तफ़ा भी है और उसमें हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी अश्शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी पैकरे जुर्रत व अज़ीमत जबल इस्तिकामत हज़रत सैयदना शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी रहिमहुल्लाहु तआला आपकी ज़ात बबरकात के हवाले से भी कुछ मारूज़ात आपकी नज़र करनी हैं। अगर हज़रत मुजद्दद पाक की ज़ात बबरकात को देखा जाए, चूँकि हम नक्शबंदी हैं और हमारा फैज़ का ताल्लुक वो हज़रत मुजद्दद पाक की ज़ात से होता हुआ बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात तक पहुँचता है और फिर वहाँ से हम बारगाह मुस्तफ़ा करीम में हाज़िरी देते हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ, बड़े बड़े आस्ताने हैं,
बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, मगर बाद जगह पे हम जब जाके पूछते हैं भाई आपका किस खानकाह से ताल्लुक है, आपका पीर कौन है, तो मैंने देखा कि बाद लोगों की आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि कोई ईरानी रियाल पे बिक गया, कोई सऊदी रियाल पे बिक गया। आस्ताना आलिया बारू शरीफ से नस्बत रखने वालों तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि जब यहां किसी से पूछा जाता है कि तुम्हारा किस आस्ताने से ताल्लुक है तो वो सर बुलंद करके कहता है मेरा आस्ताना आलिया बारू शरीफ से ताल्लुक है, इसलिए कि ये वो है जो कल तौहीद बारी ताला के हवाले से भी खड़े थे, नमूसे मुस्तफ़ा के हवाले से भी खड़े थे, तहफ्फुज़े ख़त्मे नबुव्वत के हवाले से भी खड़े थे, और आज तक जब भी कहीं इल्हाद की आंधी चली या कहीं लिबरलिज्म के तूफान आए या जब कभी फितना कादियानियत ने सर उठाया या कहीं पे कोई रवाफिज ने फितना खड़ा किया या खवारिज ने कहीं आके लोगों के ईमान को मुतजलजल करना शुरू किया, रब्बे काबा की कसम आपका ताल्लुक उस बाबरकत घराने से है, दुश्मन जिस रंग में आया इन्होंने उसी रंग में आके उसका मुंह तोड़ के दिखाया। आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, आस्ताना आलिया पीर शिवाज शरीफ, शिवाज शरीफ। खुदा की कसम यहां आके हजरते सईदना मुजद्दद अल-फ़िसानी आपकी फिक्रे रसा यहाँ जिंदा नजर आती है, करामतों में बड़ी करामत यही है जो नज़र आ रही है। और आप मकामाते मासूमी को पढ़ लें, आप हजरत मुजद्दद पाक पे लिखी गई हजरातुल कुद्स को पढ़ लें, जितनी किताबें पढ़ लें, हज़रत मुजद्दद पाक की जितनी करामतें बयान की गई हैं उन किताबों में सबसे पहली करामत यह लिखी गई है कि हज़रत की और भी बड़ी करामात हैं, पर असल करामत यह है कि हज़रत मुजद्दद पाक की जितनी औलाद थी वो सारी की सारी हज़रत मुजद्दद पाक आपके तकवा का अक्स जमील नज़र आती थी, उनका रंग उनमें नज़र आता था, और जो काम बाप ने किया वही बच्चों ने किया। यहाँ आके हमें ये भी सारा रंग नज़र आता है कि जो काम हुजूर हजरत पीर बारू करीम आप करते गए, हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी करते गए, आज उनकी औलादे पाक आज वो भी उसी मिशन को पकड़े हुए हैं, और ये सबसे बड़ी करामत होती है। मुरीदों को राह रास पे रखना, हजरत मुजद्दद पाक की ज़ात बबरकत की, जब नबी पाक की ज़ात बबरकत के साथ हम वो निस्बत तलाश करते हैं, वो इत्तेबा के एतबार से हम जब मुशाहबत तलाश करते हैं, इसको इत्तेबा के रंग में देखिएगा, आका और ग़ुलाम की आपस में, तो हमें यह भी नज़र आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का नाम नामी इसमें ग्रामी उनमें एक नाम अहमद है। और इधर सरहिंद शरीफ बाद इसका तलफ़ुज़ सरहंद करते हैं, सरहंद नहीं है ये, सरहिंद है। तो सर हिंद शरीफ में जब हम देखते हैं तो हज़रत मुजद्दद पाक आपका नामे नामी इसमें ग्रामी भी हजूर की इत्तेबा में अहमद है। पहली खूबसूरत मुमासलत आपने देखी, अब दूसरी सुनेंगे दिल का जंग और उतरेगा। दूसरी खूबसूरत और हसीन इम्तिजाज देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ात बबरकत आप अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, सरकार के आने से पहले सरकार के चर्चे जारी थे, और हजरत मुजद्दद अल-फ़िसानी रदी अल्लाह तआला की जात वो है, आप भी अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, आपके आने से पहले आपके चर्चे जारी थे। और हजरत सईदना गौसे आजम गौसुल आलमीन, हजरत सईदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला, आपने अपना जुब्बा मुबारक भी भेज दिया था, अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, चर्चे पहले जारी थे। उधर हजूर अभी तशरीफ लाए नहीं थे, चर्चे पहले जारी थे। हजार साल पहले यमन की सरजमीन से वो तुब्बा आपकी नात पढ़ता हुआ नजर आता है,
अबू हसन अलहिमियरी वो कहता है शहीद तू अला अहमदा अन्नहू रसूल मिनल्लाह बारिन नसीम वलो मुद्द दहरी इला दहरी ही लकुंतु वजीरन लहू वबन अम वजाहत बिसैफी आदाअहू वफरजतु अन सदरही कुल्लहम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आ तो ज़रा पहले गया हूँ हज़ार साल, लेकिन हजूर जब हशर का दिन हो मुझे अपनी उम्मत में उठाना, मेरा दिल ये करता है कि अगर मेरी ज़िंदगी बढ़ के आपके करीब आ जाए तो मैं तलवार उठा के आपके दुश्मनों की गर्दनें उड़ाता चलूं, आपकी खिदमतें करता चलूं। आए हजूर बाद में हैं, हजूर के चर्चे पहले जारी, नबियों ने भी किए वलियों ने भी किए। तीसरी मुमासलत, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के जिस्म मुबारक पे कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी करीब से भी नहीं गुजरी, और सरहिंद शरीफ की धरती पे बैठा हुआ वो शेर हज़रत मुजद्दद अल-फ़ैसानी के वजूद की नफासत ये थी कि आपके जिस्म मुबारक पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। मदीना तय्यबा की तरफ जब हम नज़र करते हैं तो चौथी मुमासलत देखिए, आका करीम रहमतुल्लिल आलमीन जाने कायनात वाली कायनात करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पसीना खुशबूदार था। जब सरहंद शरीफ की तरफ देखते हैं तो तमाम सियर निगार कहते हैं हजरत मुजद्दद पाक का पसीना भी खुशबूदार था। पांचवी मुआसलत देखिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को तमाम कायनात की उम्मतों में आला उम्मत मिली, और सरकार फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन, और फिर फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। अल्लाह करीम ने सारे नबियों में से चुन कर मुझे तुम्हें दिया है, व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, और सारी उम्मतों में से चुन कर तुम्हें मेरी झोली में डाला है। ये नबियों में भी सबसे आला, ये उम्मत उम्मतों में सबसे आला। दूसरी तरफ देखें तो हज़रत मुजद्दद पाक को अल्लाह करीम ने खुलाफा भी आला दिए, मुरीदीन भी आला दिए। एक और बात बड़ी खूबसूरत है, ईमान ताज़ा होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को जब शफात की दौलत मिली तो सरकार फरमाते हैं रब ने सबसे आला शफात का दर्जा मुझे अता किया। बल्कि जामे तिरमिज़ी शरीफ में है हजूर फरमाते हैं फिल जन्नत मियतुन वईशरून सफ़ा, पक्की हदीस है, हजूर फरमाते हैं जन्नत में जो सफ़ें जाएंगी उनकी तादाद 120 होगी। कितनी सफ़ें जन्नत में जाएंगी, ये छोटी छोटी सफ़ें नहीं होंगी, मशरक से लेके मगरिब तक इतनी लंबी लंबी एक सफ होगी। और हुजूर फरमाते हैं समानून मिनहा मिनहा ज़िल उम्मा, 120 में से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। वो बदबخت दहन दराज जो आज तक कहते हैं गैब की बात का पता नहीं, क़यामत की बात का पता नहीं, और बदबختो जिस इल्म का तुम नबियों के बारे में इनकार करते हो अल्लाह ने वो तो अपने अदना वलियों को भी अता किया है। हजूर फरमाते हैं 80 सफ़े मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, व 40 मिन साइरिल उमम औ कमा काल, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मिलकर जो अपनी उम्मत जन्नत में ले जाएंगे वो 40 सफ़े होंगी, मैं अकेला 80 सफ़े लेके जन्नत में जाऊंगा। और क्या मंजर होगा वो हशर के मैदान में जब सरकार अपनी उम्मत को जन्नत में लेके जा रहे होंगे। और फिर अगली बात इससे भी खूबसूरत है, हजूर फरमाते हैं जितनी उम्मतें हैं सब बाद में जाएंगी, मेरी उम्मत पहले जन्नत में जाएगी। नहीं, ये सुभान अल्लाह कहने वाली जगह अब आएगी, अब दिल का जंग उतरेगा। पहले दौर की उम्मतें बाद में, हजूर की उम्मत जन्नत में पहले, उम्मतें छोड़ें। आखिरी हदीसे पाक, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, आखिरी हदीसे पाक, जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होते हैं, हजूर ने फरमाया वापस जाओ,
जिब्रील को बुलाओ। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं बशिरनी, पहले मुझे मेरी उम्मत के बारे में कोई खुशखबरी दो, मेरी उम्मत के बारे में हजूर हुक्म कीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया वापस जाइए, अल्लाह करीम से पूछ के आइए मेरी उम्मत के बारे में। अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया तिबरानी मौजम कबीर जिल्द नंबर 3, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब कद हुर्रिमतिल जन्नतु अला जमील अंबियाई वल उममी हत्ता तदखुलहा अंता व उम्मतुका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे हबीब परेशान नहीं होना, पहले दौर के नबी और उन नबियों के उम्मती, पहले दौर के नबी भी बाद में जन्नत में जाएंगे। हबीब आपके तवस्सुल से आपकी उम्मत पहले जन्नत में जाएगी। तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। अब आप देखें शान तो नबियों की ज्यादा है ना, शान तो उम्मत से नबियों की ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन फिर हजूर की उम्मत जन्नत में पहले क्यों जाएगी, सोचने वाली बात है ना। हाँ ये है निस्बत मुस्तफ़ा। हजूर फरमाते हैं पहले मैं अपनी उम्मत को लेके जाऊंगा, फिर हर नबी अपनी अपनी उम्मत को लेके जाएगा, और फिर बरकत क्या होगी, फिर वो मंजर क्या होगा जब हजूर अपनी उम्मत को जन्नत में लेके जाएंगे। आज भी गुंबद खजरा के साथ अल्लाह ताला आप सबको मुझ समेत हाजिरी का शरफ फिर अता फरमाए, तो उस दीवार पे जो रियाजुल जन्ना शरीफ के साइड पे है जहाँ मिंबर मुस्तफ़ा है, उसके पीछे एक बात ज़िमनन ये भी याद आ गई, दुनिया का जो भी मिंबर है, जो भी मुसल्ला है, जो भी मस्जिद है, तो फुकहा बयान करते हैं इमाम के दाएं तरफ सवाब ज्यादा है। नमाज पढ़े तो इमाम के दाएं तरफ सवाब ज्यादा है, मगर मस्जिद नबी शरीफ वो है जहां इमाम के बाएं तरफ सवाब ज्यादा है। बाएं तरफ है क्या, यानी उस मुसल्ले के बाएं तरफ मैं कह रहा हूं, उस मुसल्ले के बाएं तरफ जो नबी पाक की ज़ात बरकात हजूर का मुसल्ला है, उसके बाएं तरफ है क्या, ये रियाजुल जन्ना है। क्या है, इधर हजूर का गुंबद खजरा है, इधर रियाजुल जन्ना है, ये मिंबर मुस्तफ़ा है, ये मिंबर मुस्तफ़ा के बाईं जानिब। यहाँ पे सवाब ज्यादा क्यों है, बरकत तो पूरी मस्जिद नबी शरीफ में है, पर ये रियाजुल जन्ना क्यों बना, कभी इस पे भी सोचिएगा। ये इसलिए बना कि पांच वक्त हुजूर दरवाज़ा खोल के इस जगह से गुजर के अपने मुसल्ला पाक तक पहुंचा करते थे। जिस ज़मीन ने पांच वक्त हुजूर के कदमैन शरीफैन को चूमा, अल्लाह करीम ने इस दुनिया में उसको जन्नत का हिस्सा बना दिया। इसलिए हम कहते हैं ये हमें जो बरकतें इज्जतें हैं ये सब आस्थानों की, ये मुस्तफ़ा की निस्बत का सदका है। इसलिए कहते हैं कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, आका तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है, मुझको हर चीज मिली जिक्र नबी के सदके। ये लोग कहते हैं कि इस जिक्र में रखा क्या है, ये लोग कहते हैं कि इस नात में रखा क्या है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की जाते बबरकत की निस्बत की बात कर रहा हूं, आज भी उस रियाजुल जन्ना के पीछे ये हदीस लिखी हुई है। सरकार ने फरमाया शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। कौन गुनाहगारों को सीने लगाता है, ये हजूर की करम नवाजी है, सरकार की निगाह करम है। जो बात कर रहा हूँ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की अजमत व तौकीर की बात है। सरकार फरमाते हैं मैं अपने उम्मतियों को जन्नत में लेके जाऊँगा, और मनाकिबुल हजरात पढ़ के देख लीजिए, और उधर से हजरतुल कुदस अल्लामा बदरुद्दीन सरहिंदी की पढ़ के देख लीजिए। हजरत मुजद्दद पाक फरमाते हैं अल्लाह करीम की बारगह कुदस से मुझ पे इल्हाम किया गया कि गफरतु लका वलिमन तवस्सला बिका, हमने तुझे भी बख्श दिया
वलीमन तवस्सल अबिका, और जो तेरा वसीला पेश करता है, वलीमन तवस्सल अबिका बिवासितिन औ बिगैरी वासितिन इला यौमिल कियामा, ऐ हजरत मुजद्दद अल फैसानी, जिसकी निस्बत तेरे साथ डायरेक्ट हो गई या इनडायरेक्ट हो गई, वहां से फैज चलता चलता मूसा जई शरीफ में आया, और वहां से आगे चलता चलता यहां बारू शरीफ पहुंचा। निस्बतों के साथ जो तुझे माने या डायरेक्ट तेरा वसीला मेरी बारगाह में पेश करे, हम डायरेक्ट वाले को भी बख्श देंगे, हम इनडायरेक्ट तेरा वसीला पेश करने वाले को भी बख्श देंगे। तो हजूर भी शफात करते हैं, हजरत पीर बारू भी शफात करते हैं, और हजरत मुजद्दद अल फैसानी आप भी शफात करते हैं। और फिर ये मंजर होगा क़यामत वाले दिन के पूछेंगे सभी हशीर में, सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हशीर में सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे मेरे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे मेरे गुनाहगार कहाँ है, और कौसर भी पुकारेगा आबे कौसर, कौसर भी पुकारेगा जरा ढूंढ के लाओ वो खत्म नबूवत के चौकीदार कहाँ है, वो खत्म नबूवत के चौकीदार कहाँ है, नामूसे रिसालत के पहरेदार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आबे कौसर की मैं बात कर रहा था, इधर ये भी लाखों करोड़ों को साथ जन्नत में लेके जाएंगे, और ये मैं नहीं बयान कर रहा, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती बयान करते हैं। जमुल जवा में उठा के देख लीजिए, इमाम अबू नुएम बयान करते हैं, हिलियतुल औलिया उठा के देख लीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आएगा, एक शख्स कायनात में आएगा, युकालु लहु सिलतुन, जिसको सिला कहा जाएगा। हुजूर ने फरमाया उसकी शान ये होगी, युदखिलुन्नास बिशफाअतिही कजा व कजा मिनन्नास, उस सिला, उस अजीम हस्ती जिसका नाम सिला होगा, उसके वसीले से अल्लाह ताला लाखों करोड़ों को जन्नत में भेज देगा। ये सिलातुन तारीख इस्लामिया में किसका नाम है, ये मकतूबा शरीफ पढ़ के देखें, आप नूरुल खलाइक को पढ़ के देखें। हजरत मुजद्दद पाक फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी सिलतन, तमाम तारीफें उस रब की हैं जिसने मुझे वो सिला बनाया जो हुजूर ने इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया रब ने मुझे ये बरकत अता की है कि जब सूफिया पटड़ी से उतर चुके थे और उलमा राहे रास्त से हट चुके थे, सिलतुन कहते हैं राब्ता करने वाला, सिलतुन कहते हैं आपस में जोड़ने वाला। हजरत मुजद्दद पाक फरमाते हैं, अल्लाह करीम का मुझ पे ये कर्म हुआ कि मैंने सूफिया और उलमा इनको आपस में जोड़कर इकट्ठा कर दिया, और इस बुनियादी अमल की वजह से कि मैंने सूफिया जो भटक रहे थे और वो उलमा जो कभी कोई सरकारी मुल्ला बन चुके थे, कभी कोई किसी और फिक्र की तरफ निकल चुके थे, मैंने उनको जोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की शरीयत को गालिब करने के लिए, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, इसका आलम बुलंद करने के लिए मैंने उनको अकबर बादशाह के खिलाफ खड़ा कर दिया, मैंने उनको जहांगीर के खिलाफ
एक शीशा पिलाई, दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। और फिर तारीख ने वो वक्त देखा जब राम और रहीम का फर्क मिट गया था, जिस वक्त औरतों के माथे पे कशका लगाया जा रहा था, जिस वक्त मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाए जा रहे थे, जिस वक्त दीन मतीन की जगह इल्हाद पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जा चुका था, जिस वक्त गाय का जबीहा इस पे पाबंदी लग चुकी थी, जिस वक्त इस्लामी शियार को मिटाया जा रहा था, उस वक्त वो एक मर्द हक उठा, वो सिलातुन जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था, वो मर्द हक आएगा जो उम्मत को फिर से दोबारा जिंदा कर देगा। आप मर्द हक खड़े हुए और मेरे मुस्तफा करीम हजूर के तरीके पे चलते हुए आपने फिर से दोबारा इस्लाम को जिंदा कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, उलमाए आले सुन्नत। और इस अंदाज में जिंदा किया कि एक तरफ आप रवाफिज का रद्द कर रहे हैं, एक तरफ खवारिज का रद्द कर रहे हैं, एक तरफ इल्हाद पे जरबे लगा रहे हैं, एक तरफ बादशाह के साथ उसके जितने मुशीर थे उनको अपने हल्का इरादत में ले रहे हैं, डायरेक्ट मुजाहमत की बजाय आपने मुशावरत से काम शुरू किया और इस खूबसूरत अहसन अंदाज में किया कि डॉक्टर अलामा इकबाल जैसा बंदा नंगे पांव आपके दरबार पे चल के सलाम अकीदत पेश करते हुए कहता है, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पे, वो खाक के है जेरे फलक मतला अनवार, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। आज एक जहलम का कुत्ता एक बदबख्त वहां बैठ के भौंकता है, वो कहता है कि मेरे जो बाबे हैं वो कोई शय नहीं। मैंने कहा तेरे बाबे वाकई कोई शय नहीं, वो मिर्जा कादियानी वाकई कोई शय नहीं, ये हमारे बाबे को देखना हो तो देखो, ये सरहंद की सरजमीन पे बैठकर 400 साल गुजर गए और आज भी आप पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो मुजद्दद अल-फैसानी का फैज चमकता नजर आएगा। बाबों ने काम करके दिखाया है, ये हजरत मुजद्दद पाक का फैज है, ये हजरत शाह गुलाम अली देलवी की दहलीज आज भी चमक रही है, वो हजरत सैयदना खालिद कुर्दी नक्शबंदी कुर्दस्तान में जिन्होंने उस दौर में 4 लाख से ज्यादा मुरीद दीन हक के लिए खड़े कर दिए थे। आज करमा वाला शरीफ देख लें, सिलसिला नक्शबंदिया में शरकपुर शरीफ देख लें, गमकोल शरीफ देख लें, या यहाँ आप पीर बारू शरीफ आपका फैजान देख लें, ये लाखों करोड़ों लोगों को कालिमा हक पढ़ाकर इनके ईमान को मजबूत करना और इनको दीन हक के लिए खड़ा कर देना, इससे बड़ी कायनात की करामत क्या है। आप देखें वो शेख सैयदना खालिद कुर्दी 5 वास्तों से उनका सिलसिला तुर्की में पहुंचता है और हजरत महमूद अफंदी नक्शबंदी जिनका भी विसाल हुआ, 60 लाख बंदा जिनके जनाजे में था, 60 लाख बंदा, और तुर्की का सदर जिनके जनाजे को कंधा देते हुए कह रहा था ये वो मर्द कलंदर है जिसने तुर्की में दोबारा खान का निजाम को जिंदा कर दिया। उनकी वसीयत पता क्या थी तुर्की में बैठे हुए, ये अभी 1.5 साल पहले की बात है, तुर्की में बैठे हुए उनकी वसीयत ये थी कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो मेरे वजूद के ऊपर जो चादर डाली जाए वो हजरत मुजद्दद अल-फैसानी की कब्र मुबारक से उठा के लाई जाए। कहां तक मेरे मुजद्दद का फैज पहुंचा। और एक पैगाम यहां ये भी दे दूं ज़िमनन, मुजद्दद वो होता है जो फितने खत्म करता है, मुजद्दद वो नहीं होता जो फितने पैदा करता है, फितना परवर मुजद्दद नहीं होता, मुजद्दद का काम फितने खत्म करना होता है, मुजद्दद वो होता है जो कुफर के सामने डट के खड़ा हो जाता है और इस्लाम के चेहरे पे पड़ने वाली गर्द को खत्म करता है, मुजद्दद यहूद और नसारा का सहूलतकार नहीं होता, मुजद्दद दीन को जिंदा करता है, मुजद्दद अंग्रेजों के निजाम को जिंदा नहीं करता, इस्लाम को जिंदा करता है।
मुजद्दिद का काम होता है मुस्तफा करीम हजूर की सुन्नत का एहया करना, और लोग जहां फिसल रहे हैं उनको दोबारा खड़े करके गुंबद खजरा की तरफ उनका रुख कर देना। हाँ, अगली बात सुनिए और अपना ईमान ताजा कीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की जात बबरकत के साथ हजरत मुजद्दिद पाक की मुमासलत कितनी है। मेरे सरकार फरमाते हैं क्यामत तक और क्यामत के बाद जो कुछ होने वाला है, कअन्नी अनजुरु इला कफी हाजा, मैं सारे जहानों को यूं देख रहा हूं जैसे अपनी नंगी हथेली को देख रहा हूं। यह इल्मे मुस्तफा है, और इस इल्मे मुस्तफा की बरकत जिस हस्ती को सरहिंद में पहुंची उस हस्ती का नाम हजरत मुजद्दद अल-फिसानी है। आप फरमाते हैं मुझे दिखाया गया क्यामत तक मेरे सिलसिला नक्शबंद में जो जो भी आएगा सबको मुझे दिखा भी दिया गया, सबके नाम भी मुझे याद करवा दिए गए, और क्यामत तक जितने नक्शबंदी होंगे मुझे उन सब का शजरा नसब भी रब ने याद करवा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, फैजाने हुजूर मुजद्दद पाक जिंदाबाद, फैजाने हुजूर मुजद्दद अल-फिसानी। उधर देखें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की निगाह क्या है और हुजूर ने अपने गुलाम को कितनी शानें अता की। एक बात असर हाजर के तनाजुर में, अभी इस पे मैंने एक टीवी प्रोग्राम किया था चंद दिन कबल ARYQ TV पे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को इत्तला मिली कि इधर एक कबीला है मदीना तय्यबा से कुछ दूर बनू मुस्तलिक का, वो मदीना तय्यबा पे हमला करना चाहता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को खबर मिली, सरकार ने फौरन अपनी इंटेलिजेंस भेजी, हजरत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह ताला ने और इनकी पूरी टीम, सरकार ने फरमाया जल्दी करो पता करो क्या वो वाकई हम पे हमला कर रहे हैं। पता तो था, हमारी तरबियत करनी थी। मेरे आका जुर्रत वाले नबी हैं, सरकार का एक नाम है अन नबीयुल मलाहिम, जंगों वाला नबी। इस नाम को, इस लकब को हमने भुला दिया। नबी रहमत का तज़करा ज़रूरी है, पर कहाँ ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हजूर रहमत वाले नबी हैं, पर जब इसराइल दरिंदा फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के ऊपर 100 तैयारा लेके दिन रात बमबारी कर रहा हो, उस वक्त मेरे आका करीम हजूर अन्नबीजुल मलाहिम हैं, जंगों वाले नबी। 57 इस्लामी ममालिक आज भांग पी के सो गए, और वो हमास के नौजवान सुन्नी, आज वो उनका बयान आया कि ईरान ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने कहा ये आपको आज पता चला है, हमें तो उस वक्त का पता है जब इन्होंने हजरत उस्मान गनी जुन्नुरैन आपके साथ जुल्म किया था, हमें तो उस वक्त का पता है जब इन्होंने हजरत इमाम हसन पाक आपको तीर मारे थे, हमें तो उस वक्त का पता है जब इब्ने अलकमी ने बगदाद को चंद टकों के इवज बेच दिया था, हमें तो बहुत पुराना पता है जब हजरत मिर्जा मजर जाने जाना को इन्होंने शहीद किया था, हमें तो उस वक्त का पता है जब हजरत मुजद्दद अल-फिसानी के खिलाफ, जब उस जहांगीर के घर से जब ईरान की तरफ से साजिश शुरू हुई थी, हमें तो उस वक्त का पता है। ये खोटा सिक्का है, इसके तरफ न देखो, और पूरी कायनात की अफवाज इस्लामिया को भी पैगाम है कुछ गैरत करो, मुस्तफा करीम की जात बबरकत आपके गुंबद खजरा से फैजान मांगो। ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये यूरोप की लोंडी है, इन पे लानत भेजकर हजूर के गुंबद खजरा की तरफ देखो। सरकार कल भी मदद करते थे, हजूर आज भी मदद करेंगे। इनकी तरफ ना देखो दाएं बाएं, ये बदबख्त तो खुद जालिम है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा ये तो सबसे बड़ी कातिल है मुसलमानों की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर को खबर मिली, कबीला बन मुस्तलिक मदीना तय्यबा पे हमला करने लगा है, सरकार ने फरमाया जल्दी पहुंचो। सहाबा इकराम गए, उन्होंने चेक किया, वो अपनी तलवारें तेज कर रहे थे,
नेजों के जरिए तीरों के जरिए निशाने ठीक कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। बड़ी दिलचस्प बात है, जल्दी जल्दी आए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह का, हमने उनकी बातें सुनी हैं, वो तो हफ्ते के अंदर अंदर हमला कर देंगे, पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। जुर्रत वाले नबी, मेरे सरकार ने फरमाया हर नबी अपनी उम्मत में बहादुर होता है, लेकिन आना अशजाउल अंबिया, अल्लाह ने मुझे सारे नबियों में से भी बहादुर पैदा किया है। सरकार ने फरमाया वो हफ्ते बाद हम पे हमला करेंगे, हम सुबह करेंगे। कह दे सुभान अल्लाह। सुबह सुबह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर हजूर पहुंच गए, और उस वक्त जब सुबह हजूर पहुंचे, काफिरों को ये तवक्को नहीं थी कि हजूर की इतनी क्विक सर्विस है। वो तो उस वक्त चारा काट रहे थे, जानवरों का चारा काट रहे थे, हजूर के मुजाहिदीन पहुंच गए, लतरेशन शुरू कर दी। जब उनको लितर पड़े, कुछ तो मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ काबू आ गए, 600 बंदे उनके गिरफ्तार हो गए। कितने? 600 बंदे। सरकार ने फरमाया इनको पकड़ो ले आओ। 5000 बकरियां काबू आ गईं, 2000 ऊंट माले गनीमत में मिले, बड़ी बरकत हो गई। और ये सरकार ने फरमाया था मेरी उम्मत जब तक जिहाद करती रहेगी, अल्लाह करीम इनको इज्जत और शादमानी के साथ सरफराज करता रहेगा, और जब ये जिहाद छोड़ देंगे ये जलील और रुस्वा हो जाएंगे। आज वो बदबख्त जेलमी कहता है कि तुम तो लड़ने के काबिल नहीं, आज तो माजल्ला सुमा माजल्ला अस्तगफिरुल्ला नकले कुफर कुफर ना बाशिद। वो कहता है हजरत खालिद बिन वलीद भी आ जाए 100, तो एक यहूदी एक गन के साथ तो तुम कैसे लड़ सकते हो, पाकिस्तान की फौज भी नहीं लड़ सकती। मैं हैरान हूं पाकिस्तानी फौज इस बंदे को देखकर, इतना बड़ा इसने जुमला कहा है, अभी तक इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो पाक फौज की अहलियत पे सवालिया निशान खड़ा करके बैठा है कि तुम भी इसराइल के साथ नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते तो तुम्हारे वजूद का फायदा क्या है? ना लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते? ये साथ हमने देखा नहीं। अब बंदा मोमिन कभी भी तलवार तीर इसके भरोसे पे नहीं लड़ता, और वो मुजाहिदीन तलवारों और तीरों और इन मेजाइलों के भरोसे पे लड़ भी नहीं रहे, जलीलों को रुस्वा करके उन्होंने वापस भेज दिया। किस बुनियाद पे मुसलमान लड़ता है? ईमान की ताकत पे लड़ता है, मुस्तफा के वसीले की ताकत पे लड़ता है, अल्लाह की जात के तवक्कुल के वसीले से लड़ता है। और उस वक्त भी और आज तक ये हमारे साथ अफगानिस्तान की मिसाल मौजूद है। 40 मुल्कों ने नेटो की सूरत में मिलके हमला किया था, 20 साल तक कारपेट बमबारी होती रही, मगर रब ने हमें दिखा दिया कि पठानों ने लित्तर मार मार के उनको भगा दिया। आपके सामने नहीं हुआ ये? किधर की टेक्नोलॉजी? मेहनत करें, आगे बढ़ें, मगर जो कुछ है ना इस वक्त ये भी तुम्हारी फतह के लिए काफी है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हुब दुनिया व कराहियतुल मौत। ये तुम्हारे दिलों में जो दुनिया की मोहब्बत, ये जो बाहर बैंक बैलेंस भेज रहे हैं, ये जो करप्शन कर करके माल लूट के दुनिया की तुम्हारे अंदर हवस बढ़ चुकी है, और कराहियतुल मौत और मौत का खौफ पैदा हो गया है, सिर्फ ये निकल जाए तो रब्बे काबा की कसम मुस्तफा का फरमान सच्चा है। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत एक वक्त आएगा जब तुम सब इकट्ठे होकर निकलोगे तो फिर यहूदी भागेंगे, और जब वो किसी पत्थर के पीछे छुपेंगे तो वो पत्थर बोल के कहेगा या मुस्लिम ताली लिया हाजा यहूदी जुनवराई उक्तुल हो, ए प्यारे मुसलमान भाई जल्दी इधर आ, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, अपने हाथों से आगे बढ़ के इसे कत्ल कर। अल जिहाद, अल जिहाद, लबैक लबैक, हाथ खड़ा करके जवाब दो, अल जिहाद, अल जिहाद, लबैक लबैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लबैक लबैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लबैक लबैक, लबैक लबैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लबैक लबैक, अल जिहाद, अल जिहाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लबैक।
या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाई ने पकड़ के ले आओ मदीना पाक में। 600 बंदे पकड़े गए, वो जो सरदार था ना वो भी निकल गया, हारिस बिन अबी ज़िरार उसका नाम था, वो तो भाग गया, लेकिन उसकी जो साहिबजादी थी वो गिरफ्तार हो गई। जनाबे बर्रा उनका नाम था, वो गिरफ्तार होकर मदीना तय्यबा में। 600 बंदे और भी आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने वो 600 बंदे अपने एक एक सहाबी रसूल को बांट दिए, इनको ले जाओ घरों में, ये जंगी कैदी हैं, इनसे काम करवाओ। वो काम करते थे, गुलाम थे ना, कैदी थे। और वो जो बीबी थी जनाबे बर्रा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने अपने एक मुजाहिद गुलाम हजरत सैयदना साबित बिन कैस बिन शुमास रदी अल्लाह ताला हजूर ने फरमाया, साबित बिन कैस ये तुम्हारी खादिमा है, इसे तुम घर ले जाओ, अपने काम करवाओ इनसे। हज साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला इनकी कई बातें हैं, फिर किसी मौके पे वो उन्हें लेके अपने घर आ गए। बड़ी अजीम हस्ती थी, आपने जब उस बीबी को देखा तो देखते ही समझ गए ये किसी बड़े सरदार की बेटी है। फौरन कहने लगे, भाई बीबी इधर ही ठहरो, मुझे लगता है तुम किसी सरदार की बेटी हो। वो बीबी कहने लगी, हाँ मैं बनु मुस्तलिक के सबसे बड़े सरदार हारिस बिन अबी ज़िरार की बेटी हूँ। आप फरमाने लगे, बीबी मैं मुजाहिद आदमी हूँ, मुझे तलवार की ज़रूरत है, मुझे ज़िरा की ज़रूरत है, इधर वो तुम्हारे मेयार के सारे खाने पीने वो नहीं होंगे, तुम ऐसा करो मुझे बदले मुकातबत कर लो, मुझसे बदले किताबत कर लो, मुझे कोई थोड़ा सा सोना चांदी दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। वो बीबी कहने लगी, बताइए क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा, मुझे 9 ओकिया सोना चांदी दे दें। वो कहने लगी, हजूर ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए, मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, आप मेहरबानी करके ना एक पर्ची पे लिख दें, मैं अभी जाती हूँ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की बारगाह में, मैं सरकार से अर्ज़ करूँगी हजूर मेहरबानी करें थोड़ी सी चश्मे इनायत फरमाएँ, किसी बंदे को भेज कर मेरे वाली साहब से इतना सा सोना मंगवा दें, या आप खुद मेहरबानी कर दें। हजरत साबित बिन कैस ने वो पर्ची लिख दी, कहा इतना 9 ओकिया मुझे दे दो, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। वो पर्ची लेकर हजूर की तरफ चल पड़ी। उधर से उसका जो बाप था ना हारिस बिन अबी ज़िरार, उसको किसी ने बताया, किधर भागता फिरता है भाई, तेरी बेटी तो गिरफ्तार हो गई है, तू किधर जाता फिरता है। उसने कहा, अच्छा पता किया वाकई। उसने कहा, बेटी को तो छुड़ा के लाना है। उसने जल्दी जल्दी सोना चांदी इकट्ठा किया, माल इकट्ठा किया, भेड़ बकरियां ऊँट इकट्ठे किए और मदीना तय्यबा की जानिब चल पड़ा। जब मदीना तय्यबा से चंद किलोमीटर दूर रह गया और मदीना पाक की खुशबू आने लगी, मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी निस्बत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मैं मदीने
की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अच्छा, वो जब पहुंचा ना तकरीबन 9 किलोमीटर बाहर मदीना तैयबा से, तो चंद किलोमीटर पहले उसके जेन में ख्याल आया, ख्याल ये आया कि तू सारा कुछ लेके जा रहा है, कुछ माल तो तूने घर में रख लिया, कुछ चीज़ें तो तूने घर में रख ली, और ये तू सारा कुछ लेके जा रहा है और इनमें तेरे दो बड़े बड़े ऊँट भी हैं। उसके पास दो ऐसे ऊँट थे बड़े कद के पूरे खित्ता अरब में वैसे ऊँट नहीं थे, कोई नस्ली ख़ानदानी ऊँट थे। उसने कहा ये मैं सारा कुछ ले गया हुज़ूर की बारगाह में, तो ये मेरे जो मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं दो ऊँट, हजूर तो ये भी रख लेंगे, तो ये दो ऊँट तो बचा लूँ, क्योंकि वहाँ तो जो कुछ जाएगा सब कुछ। उसके जेन में था दुनिया की बादशाही, जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं, ले जाऊँगा तो हजूर वो भी रख लेंगे। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की बारगाह, और अब शान रहमत सुनिएगा, उसने वो दो ऊँट एक वादी अकीक के पीछे पहाड़ों के ले जाके एक गार में छुपा दिए, कुछ सोना चांदी भी रख दिया, वहाँ ऊँट बांध दिए, वो दो स्पेशल ऊँट, बाकी सारा सामान लेकर हजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गए। हजूर हमें माफ़ी दे दें, हमसे गलती हो गई, हमने आपके खिलाफ जंग की साजिश की, हमें सज़ा मिल गई है, हमारे बंदे भी इधर गिरफ्तार हैं 600, मेरी बेटी भी यहाँ है, मेहरबानी करें मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। जब कोई माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात की बात कीजिएगा, नहीं समझ में आई बात? हाँ, ऐसे लम लेट हो जाते हैं। मेरे आका करीम हुज़ूर की सीरत से कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ जुर्रत का मुजाहरा करें, कुछ इत्तेहाद पैदा करें अपनी सफ़ों में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया अच्छा माफ़ी मांगने आए हो, क्या चाहते हो? कहा हुज़ूर मैं कुछ नहीं, बस मुझे मेरी बेटी मेरे हवाले कर दे। बाकी बंदे उसे भूल गए कबीले के, मेरी बेटी मेरे हवाले कर दें, ये सामान लेके आया हूँ, ये सोना है, ये चांदी है, ये बकरी, ये भेड़, ये कुछ ऊँट हैं, कुछ ये चीज़ें। हुज़ूर ने फरमाया ये फैसला तो साबित बिन कैस करेंगे, उन्हें बुला लेते हैं। इतनी देर में वो बेटी भी आ गई, उसने आते ही अपने बाप को पहचान लिया, हजूर ये मेरे वालिद साहब हैं, और हज़रत साबित बिन कैस ने मुझे पर्ची दे दी है, उस पे उन्होंने कुछ लिखा है, तो मेरे वालिद साहब उसकी अदायगी कर देंगे। सरकार ने फरमाया हज़रत साबित बिन कैस को भी बुलाया जाए, आप भी हाजिर खिदमत हुए। भाई साबित बिन कैस इन्हें आज़ाद करते हो? जी हजूर आज़ाद करता हूँ। क्या मुतालबा है? हजूर पर्ची पर लिख दिया है। हजूर ने फरमाया हारिस बिन अबी ज़िरार, वो जो सरदार था, भाई इस पर्ची पे लिखा हुआ है अगर तू ये अदा कर दे तेरी बेटी को अभी रिहा कर देंगे। ये उसके जेन में आया कि पता नहीं पर्ची पे लिखा क्या है, और मैं सरदार हूं तो मेरी सरदारी को मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ लिखा गया होगा। वो कहने लगा हजूर बात ये है, ये जो कुछ मेरे पास था ना, सोना चांदी बकरी भेड़, मैं सारा ले आया हूं, ये सारा रख लें, हालांकि उनकी डिमांड थोड़ी सी थी, ये सारा कुछ रख लें, मुझे मेरी बेटी दे दें, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब उसने ये कहा ना कि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। हजूर मुस्कुराए और सरकार ने फरमाया अच्छा तेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब ये आपके चेहरों पे जो हल्की सी मुस्कुराहट आई है ना, यही ईमान है, क्योंकि आप मेरी बात आगे करने से पहले बात की तह तक पहुंच गए हैं। ये देखे ना, ये मुस्कुराहट इस बात की अलामत है कि आप जान गए हैं कि हजूर जो मुस्कुराए हैं और सरकार ने जो फिर पूछा है कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ शान मुस्तफ़ा जाहिर होगी, और यही ईमान है।
और ये ईमान अल्लाह उनको अता करता है जिनको कभी ना कभी कुर्बे मुस्तफ़ा नसीब हुआ था। ये आप जो यहाँ आए बैठे हैं ना बारू शरीफ में, ये ऐसे नहीं आए, ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे सरकार ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, रब ने रूहों को इकट्ठा रखा लश्कर की सूरत में, तो जो रूह वहाँ आलम अरवा में जिसके करीब थी उसको इस दुनिया में आके उसी से प्यार हो गया, जो रूह वहाँ जिसके करीब थी वो यहाँ भी उसके करीब है। वमा तना कर मिन्हा इख्तलाफा, जो वहाँ जिसकी मुनकर थी वो यहाँ भी इख्तिलाफ करती है, जो वहाँ जिसके करीब थी यहाँ भी उसके करीब है, जो वहाँ जिससे दूर थी वो यहाँ भी उससे दूर है। हम करोड़ बार अरब हा खरब हा बार अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह करीम तेरा शुक्र है जब तूने हमारी रूहों को बना के रखा, किसी की रूह आस्ताना आलिया बारू शरीफ रख दी, किसी की रूह सिवाक शरीफ रख दी, किसी की रूह मूसा जई शरीफ रख दी, किसी की रूह को करमा वाला शरीफ उन औलिया के करीब रख दिया, किसी की रूह को शरकपुर शरीफ वाले वलियों के करीब रख दिया, किसी की रूह को सरहंद शरीफ रख दिया, किसी की रूह अजमेर शरीफ रख दी, किसी की रूह बगदाद शरीफ रख दी, और फिर किसी की रूह मदीना तय्यबा हजूर के करीब रख दी। जो रूह जिसके करीब है वो उसी का तज़करा करती है। और अगली बात सुनेंगे तो ठंड पड़ जाएगी। हजूर फरमाते हैं जो दुनिया में जिससे प्यार करता है, जिससे इजहार मोहब्बत करता है, यानी जिसके नारे लगाता है, जिससे इश्क करता है, अल मरहुमा मन अहब्बा, जो यहां जिससे प्यार करता है वो हशर के मैदान में उसी के साथ उठेगा। जो किसी डॉक्टर से प्यार करता है वो उसके साथ उठेगा, जो किसी प्रोफेसर से प्यार करता है वो उसके साथ उठेगा, जो किसी इंजीनियर से प्यार करता है उसके साथ उठेगा, जो दुनिया के किसी सियासी वडेरे से प्यार करता है वो उसके साथ उठेगा। पर रब्बे काबा की कसम, जो मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं वो मुस्तफ़ा के साथ उठेंगे, जो बारू शरीफ से प्यार करते हैं वो इनके साथ उठेंगे। नारे रिसाला, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया पीर शिवाज शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, ताज नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। और ये भी बात याद रखिएगा, ये निस्बत वालों के लिए है। हजूर फरमाते हैं कल जब हशर का दिन होगा तो हर नबी को अल्लाह ताला हौज अता करेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा हौज होगा ना, हौज कौसर, वो अल्लाह करीम मुझे ही अता करेगा। हजूर वो हौज कौसर जो है वो कितना बड़ा होगा? हजूर ने फरमाया दाएं तरफ मुल्क यमन, बाएं तरफ मुल्क शाम, दूर दूर। हजूर ने फरमाया मुल्क यमन से लेके मुल्क शाम तक मेरे हौज़े कौसर की एक साइड होगी। क्या होगा? गहरा कितना होगा? हजूर ने फरमाया अगर एक बंदा दौड़ता रहे सुबह दोपहर शाम एक महीना दौड़ता रहे, मेरे हौज़े कौसर की एक साइड पूरी नहीं होगी, और इसकी चार साइडें होंगी, यानी कायमा जाविया होगा मुरब्बा शक्ल में, और वो गहरा भी इतना ही होगा, गहराई भी इतनी होगी। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी दावत होगी। नहीं समझ में आए बात? एक तो वो है ना जो कहते हैं कि बस वो उधर टंबे ही पड़ने हैं, डंडे पड़ने हैं, और ये इतना बड़ा जो हौज़े कौसर है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा। हजूर फरमाते हैं जिसने एक बार पी लिया उसे कभी फिर प्यास नहीं लगेगी। ये इतना बड़ा पानी का, इतना बड़ा हौज, ये रब ने बनाया किसके लिए है? ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजूर ये इतना बड़ा जो हौज है इस पर पानी पीना कैसे है? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला मेरी उम्मत के एजाज में जन्नत के कूजे प्याले मेरे हौज़े कौसर पे सजवा देगा, फरिश्ते कूजे रखेंगे। हजूर वो प्याले कितने होंगे? पूछने वालों ने भी कमाल कर दिया, बताने वाले ने भी कमाल कर दिया। हजूर वो प्याले कितने होंगे? मेरे सरकार ने फरमाया जो मेरे हौज़े कौसर पे प्याले रखे जाएंगे, अल्लाह करीम ने आसमान पे इतने तारे नहीं सजाए जितने मेरी उम्मत के एजाज में हौज़े कौसर पे प्याले सजा दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा मजमा होगा,
ये आसमान के तारों की तरह बिखरी हुई कौम, मशरक मगरब शिमाल जनूब, नहीं समझ में आई बात आप? वो ये इतनी बड़ी जमात कौन सी है वो जिनसे तांगे की सवारियां पूरी नहीं होती? ये वो जमात तो नहीं हो सकती ना, इसका मतलब है ये कोई बहुत बड़ी जमात होगी। हजरत हमें नहीं पता ये तारों की तरह बिखरी जमात ये कौन सी है। मैंने कहा अगर समझ ना आए तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बाहर निकल के देख लेना, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब में हर तरफ तुझे झंडे उठाकर लबैक या रसूल अल्लाह और सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते। ये आशकाने रसूल है, हौज़े कौसर पे बाद में आएंगे, रब्बे काबा की कसम इनके लिए प्याले पहले सजा दिए जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हुजूर की उम्मत होगी, सरकार को मानने वाले, वलियों को मानने वाले, नबियों को मानने वाले, इनकी निस्बतों का इकरार करने वाले। और फिर एक पैगाम यहाँ ये भी दे दूं, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आका, आपकी उम्मत में फिर सबसे पहला प्याला हौज़े कौसर का किसे पिलाया जाएगा? कह दें जरा सुभान अल्लाह। हजूर आपकी उम्मत में सबसे पहला प्याला किसे पिलाया जाएगा? मेरे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहला हौज़े कौसर का जाम जिस हस्ती को नसीब होगा उस हस्ती का नाम हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक है। सरकार से पूछा गया खिसालुल खैर सलासमियतुन व सित्तून खसला, मेरे सरकार ने फरमाया जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे खसाइल हैं, अच्छे अखलाक हैं, वो 360 हैं। कितने हैं? एक नेकी भी रब ने किसी को दे दी और वो एक खूबी पे सारी जिंदगी डटा रहा तो हुजूर फरमाते हैं वो एक खूबी उसे क्यामत वाले दिन जन्नत में ले जाएगी। ये भी बारू शरीफ का पैगाम है, किसी आम आदमी को जो सुन्नी हो, सुन्नी, उसके अंदर कहीं कोई कोताही हो तो उसको बुरा ना कहो, एक ऐब देखकर, हो सकता है उसमें कोई दूसरी खूबी हो, कोई कमाल हो, तुम एक तरफ देख रहे हो, और उलमा के बारे में तो ख़ास तौर पे। तो हुजूर फरमाते हैं 360 अच्छी खूबियां हैं अखलाके हसना, एक भी किसी को मिल गया तो वो जन्नती। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और हाथ बांध के अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये आजी देखिए अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं और आजी देखिए अफिया अहद मिन्हा या रसूल अल्लाह, आका उन 360 में से कोई एक आधी खूबी मुझ में भी है, एक आधी खूबी? मेरे सरकार ने फरमाया कुल्लू हाफी का या अबा बकरीन, ऐ सिद्दीक अकबर मेरी उम्मत में तू वो है जिसको रब ने 360 की 360 अता कर दी। या रसूल जिंदाबाद, यही फिक्रे मुजद्दद पाक है, यही दरसे मक्तूबात शरीफ है। इमाम रब्बानी लिखते हैं मक्तूबात शरीफ में, कल हशर के मैदान में जब पूछा जाएगा हजूर जन्नत में सबसे पहला कौन जाएगा, मेरे सरकार ने फरमाया उस हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजूर जन्नत के 8 दरवाजे हैं, कौन है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा? यानी नमाज वाला गेट कहे हजूर इधर से आओ, मेरी तकरीर इख्तिताम पे जा रही है बड़ी तवज्जो से, नमाज वाला गेट कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शो, रोजे वाला कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शो, हज वाला कहेगा हजूर इधर से कदम रंजा फरमाएं, ज़कात वाला कहेगा हजूर मुझे शरफ बख्शें, हर गेट खुद तर से हजूर। कोई आपकी उम्मत में ऐसा भी है? सही बुखारी की हदीस है, मेरे सरकार ने फरमाया अर्जू अन तकून मिनहुम या अबा बकरीन, ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरी उम्मत में तू वो है जिसको जन्नत का हर दरवाजा खुद तरसेगा। और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, ये भी एक तोहफा है, ये बरकत है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, फैजाने मुजद्दद पाक है, हजरत मुजद्दद पाक फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला जन्नतियों की पहली दावत करेगा। किस शय से करेगा? वो हौज़े कौसर वाला आबे कौसर तो आपने सुन लिया, किस काम से करेगा पहली दावत, किस शय से करेगा? अल्लाह करीम की ज़ाते वरका जब पहली दावत फरमाएगा जन्नतियों की, तो ये भी गैब की बात है ना, सरकार ने दुनिया में बता दिया, हुजूर ने फरमाया मछली की कलेजी का गोश्त होगा जिससे
अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों की पहली दावत फरमाएगा। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो जब जन्नती जन्नत में जलवागर होंगे और अल्लाह करीम का दस्तरखान सजेगा और उस पे प्लेटें लगेंगी, तो हजूर ज़रा ये भी बता दीजिए, आपने मेन्यू तो बता दिया कि मछली की कलेजी का गोश्त, हजूर ये भी बता दें सबसे पहली प्लेट किसके आगे रखी जाएगी? सबसे पहली प्लेट। ये सच्चा अकीदा है जो सरहिंद शरीफ से होता हुआ, बरेली शरीफ से चलता हुआ, बारू शरीफ तक आके मैं आपको सुना रहा हूं। ये ईरान की तरफ से नहीं आया, ये मदीना तय्यबा की तरफ से आया है। मेरे सरकार ने फरमाया जन्नत के अंदर सबसे पहली प्लेट रब की तरफ से जिस हस्ती को अता की जाएगी, मेरे उस गुलाम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब पीछे कोई गाल रह गई, इसलिए हम कहते हैं सिद्दीक जिसनु कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, सिद्दीक जिसनु कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, जिसकी तसब तो पहलो इकरार मुस्तफा दा, जिसकी तसब तो पहलो इकरार मुस्तफा, इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई, हर चीज लेके आया हुबदार मुस्तफा दा, हर चीज लेके आया हुबदार मुस्तफा दा, और जिस गार विच नबी नू सिद्दीक ले गए सन, अज भी रस्ता वेंदी ओ गार मुस्तफा दा, अज भी रस्ता वेंदी ओ गार मुस्तफा दा। और आखिरी शेर, सिद्दीक दा भी ओ थे ते फारूक दा भी ओ थे, भाई सिद्दीक दा भी ओ थे ते फारूक दा भी ओ थे, भाई तैबा दी जिस जगह ते दरबार मुस्तफा दा, तैबा दी जिस जगह ते दरबार मुस्तफा। मैं वो अपनी गुफ्तगु इख्तिताम पे लेके जा रहा था कि उधर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के पास जब केस पेश किया गया, हजूर मेहरबानी करें, तो सरकार मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट से हम उस तरफ निकल गए, लेकिन जो मैं बात करना चाहता था, बात पता क्या हुई थी, हजूर ने फरमाया क्या जितना माल हारिस तेरे पास था तू सारा ले आया है? उसने कहा हजूर मैं सारा एक रत्ती भी नहीं छोड़ी, इतना सा एक रत्ती वो भी नहीं मैंने छोड़ी, जितना माल था घर में, जितना माल था मेरे पास सारा ले आया हूँ। तो हजूर ने फरमाया, तबस्सुम फरमाया, और हजूर ने फरमाया वो जो वादी हकीक में पहाड़ के पीछे जो दो ऊंट छोड़ के आया है वो किसके हैं? आए आए ये निगाह मुस्तफ़ा है, वो जो दो ऊंट उधर छोड़ के आया है वो किसके हैं? जब हजूर ने ये फरमाया ना, तो हारिस जो है वो कांप गया, कहने लगा हजूर मुझे माफ़ी दे दें, मैं तो दुनिया का बादशाह समझ के आया था, इधर तो बात ही कुछ और है, मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ घोड़े पे, अभी जाता हूँ, अभी मैं लेके आता हूँ वो ऊँट दो मैंने वाकई खड़े किए, अभी लेके आता हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं बैठो, हम तेरे वो दो ऊँट भी देख रहे हैं, जो घर में तू माल छुपा के आया है हम वो भी देख रहे हैं। जब ये बात की ना, कहने लगा हजूर मेरे गुलाम इधर ही हैं, मेरे बंदे मुझे घोड़ा दे दे, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे पता है घर वाला भी आपकी नज़र में है, मैं वो भी ले आता हूँ, ये दो ऊँट भी ले आता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया छोड़ो माल को, अब है रहमत मुस्तफ़ा, जब कोई पुकारे तो उस वक्त है अन्नबीयुल मलाहिम, अब दुश्मन कदमों में आ जाए अब है रहमत मुस्तफ़ा। मेरे सरकार ने फरमाया छोड़ो, हुजूर ने फरमाया हजरत साबित बिन कैसे, साबित ये पर्ची मुझे दे, जितना माल तूने पर्ची पे लिखा है ये सारा मैं तुझे देता हूँ, इसकी बेटी को वैसे ही रिहा कर दो। आया
हाय 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 रहमत मुस्लिम। इसको वैसे ही छोड़ दो। और हुजूर ने फरमाया अपना ये माल भी उठा लो, ये गुलाम भी उठा लो, ये बकरियां भेड़ें ये भी, वो जो दो ऊँट उधर बांध के आए वो भी ले जा, जो घर है वो भी ले जा, जो इधर ले के आया ये भी ले जा, अपनी बेटी को भी साथ ले जा। अच्छा, अब उसने अपनी बेटी को लिया, हजूर का शुक्रिया अदा किया, अपने गुलामों से कहा भाई माल उठाओ, हजूर ने बड़ी मेहरबानी फरमा दी, कर्म कर दिया। अपनी साहिबजादी को लेके जब मस्जिद नबी शरीफ के गेट पे पहुंचा ना, अब ये बात उससे भी दिलचस्प है, लुत्फ वाली है, ईमान ताज़ा कर देती है। गेट पे जब पहुंचा ना, तो वो जो उनकी साहिबजादी थी ना जनाबे बर्रा, बेटी ने अपने बाप के दामन को पकड़ा और कहने लगी अब्बा जी आपका रास्ता है वो, आप जाएं उधर, इन्नी अख्तारुल्लाह व रसूला, मैंने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार कर लिया है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इधर मस्जिद नबी शरीफ में हजूर की खादिमा बन के रहूंगी, मैं तेरे साथ जाना पसंद नहीं करती। अगर तुम्हारे कबीले में दुश्मन की कोई बेटी आ जाती तुम उसका क्या हशर करते, हजूर के गुलामों ने भी मुझे इज्जत दी है और सरकार ने इतनी करम नवाजी फरमाई है, मेरी कीमत भी अपनी जेब से अता कर दी और तुम्हारा जो माल था वो भी हजूर ने वैसे ही वापस कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, अटाए मुस्तफा, जिंदाबाद। अच्छा, जब वो बेटी वापस पलटी ना, वापस मुड़ी, उसने कहा अब्बा जी मैंने आपके साथ नहीं जाना, बस मैंने देख लिया है। जब सरकार की बारगाह अक़दस में वो वापस आई तो वो जो बाप था ना, अब उसको भी समझ आ गई, वो भी वापस पलटा। पहले कुछ और था, जब वापस पलटा तो हजरत हारिस बिन अबी ज़िरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए थे। पलटते ही हजूर के कदमों में, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह का, ये मेरी साहिबजादी, इनके कल्ब में जो आपने ईमान की शमा रोशन की है, निगाह करम करके मुझे भी कलमा तैयबा पढ़ा दीजिए। मेरे सरकार ने उन्हें कलमा तैयबा पढ़ाया। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद हजूर ने फरमाया अब तुम जाओ, अब तुम मुसलमान हो चुके हो, ईमान की दौलत भी मिल गई है, अब जाओ। वो कहने लगे हजूर मैं तो चला जाता हूँ पर मेरी बेटी नहीं जाएगी, मुझे पता है ये वापस नहीं जाएगी। हजूर ने फरमाया अच्छा तुम चाहते क्या हो? अर्ज की हजूर आपने इतनी बड़ी करम नवाजी कर दी, एक मेहरबानी और कर दें। फरमाया क्या चाहते हो? हजूर ये इधर खादिमा बन के काम करेगी, नौकर बन के, मैं कबीले का सरदार हूँ, आप सारे जहानों के सरदार हैं, मेरी बेटी को अपने निकाह में कबूल कर लें, ये उम्मुल मोमिनीन बन के रहे, हजूर के घर में रहे, इज्जत व वकार से रहे। मेरे सरकार ने फरमाया हमें तुम्हारी ये ख्वाहिश भी कबूल है। वह पूरे वजाहत के साथ, पूरे मान और नाज और वकार के साथ मेरे सरकार उनके डेरे पे गए, बारात लेके गए, उन्हें ब्याह के अपने घर लाए, और जब उस बीबी को लेके अपने घर आए तो सरकार ने उनका नाम बर्रा से बदल कर हजरत जुवैरिया रख दिया। ये हजरत सैयदा जुवैरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये हजूर की वो रफीका हयात हैं। हजूर तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो देखते हैं ये सजदे में हैं, हजूर नमाज फजर पढ़ा के आते हैं तो ये सजदे में हैं, हजूर जब चाश्त पढ़ के आते हैं दोपहर के वक्त तो उस वक्त भी सजदे में और रियाजत कर रही हैं, इबादत कर रही हैं। मेरे सरकार ने फरमाया जुवैरिया तुम बड़ी इबादत करती हो, तुम्हें ऐसा वजीफा ना बता दूं, वो एक जुमला तुम पढ़ लो सारे दिन की इस तरह की रियाजत से अफजल। हुजूर करम नवाजी फरमाए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही बिअदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलिमात अता किए, बरकतें अता की, और एक बात, एक जुमला यहाँ रह गया जो आज के तनाजुर में करना ज़रूरी था। जब सरकार उनको ब्याह के अपने घर में ले आए ना, शादी हो गई, तो अगले दिन वो जो 600 सहाबा कराम थे ना, वो जिनके घर में एक एक बंदा गया था कैदी बन के,
वो बात भूल तो नहीं गए आप, वो जो 600 बंदा था ना, वो सहाबी रसूल जो थे वो इकट्ठे हो गए, जिनके घर में वो 600 कैदी थे, वो 600 सहाबा इकराम इकट्ठे हुए और इकट्ठे हो के मिलकर, सरकार ने नहीं उन्हें कुछ कहा था, कुछ नहीं फरमाया था, इश्क अपने रास्ते खुद बनाता है, इकट्ठे हो के उन्होंने मीटिंग की और मिल के कहने लगे, यारो पहले बात और थी अब बात और है। कहा कैसे? कहा पहले थे जंगी कैदी, दुश्मन के कैदी थे, पकड़ के लाए थे, काम करवाते थे, जानवरों का चारा उनसे कटवा के घर में लाते थे, पर यारो कल से हजूर की शादी हो गई है उधर, अब वो हजूर के ससुराली हैं, पंजाबी में हम कहते हैं हजूर दे सौरे ने, यानी हजूर की शादी उधर हो गई है, अब वो हजूर के इस एतबार से ससुराली रिश्तेदार हैं, अब हम उनसे काम करवाते अच्छे लगते हैं, नहीं करवाएंगे। 600 के 600 सहाबा ने मुत्तफिका फैसला किया कि सबको आज ही आजाद करते हैं, सब ने वो 600 कैदी आजाद भी कर दिए और उनकी बकरियां भेड़े ये भी उनको वापस कर दी। किस वजह से? मुस्तफा की एक निस्बत की वजह से। जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। आज ये नारा लगाना बड़ा जरूरी है, फितनों का दौर है। आज कहते हैं सहाबा इकराम के दिल में माजल्ला सुमा माजल्ला इस तरह की बात थी, और जिनके अंदर मुस्तफा करीम की इज्जत और नामूस की इतनी हया हो कि हजूर ने अभी फरमाया भी नहीं और खुद उस निस्बत का ख्याल रखते हुए 600 गुलाम आजाद कर दें। तुम अपनी बातें लिए फिरते हो, रब्बे काबा की कसम मुस्तफा करीम हजूर के सहाबा जैसा कायनात में कोई आशिक पैदा ही नहीं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी। हजरत मुजद्दद पाक की फिक्र यही है, आप फरमाते हैं हम अहले बैत अतहार के भी नौकर हैं, फरमाते हैं मुझे जो फैज़ मिला है इस फैज़ में सबसे पहले मुझे जो हिस्सा मिला था वो हज़रत मौला अली शेर खुदा की तरफ से मिला था। हाँ हम मौला अली शेर खुदा को भी मानते हैं, हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी मानते हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि जो फ़िक्र मुजद्दद है वो फ़िक्र मुजद्दद खा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी हों, खा हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हों, खा हज़रत जनाबे हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी हों, पूरी कायनात में जितने कामिल औलिया हों या 14 सदियों के मुजद्दद हों, सबका एक ही मुतफिक का फैसला है, अफजलुल बशर बादल अंबिया हुआ अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने, यही पैगाम हक है, यही फिक्र मुजद्दद है। और मैं ये भी बता दूँ कि जब विसाल का वक्त करीब आया तो एक आखिरी मुमासलत ये भी है कि जब उम्र मुबारक 62 साल हुई ना हज़रत मुजद्दद पाक की, तो बहुत रोते थे और अपनी रफीक़ हयात से कहते थे कहीं ग़ुलाम की उम्र आका से तजावुज़ न कर जाए, 63 साल एक साल रह गया है, बहुत रोते थे। और फिर निगाह ये थी, मैं निगाह की बात पे उधर चला गया था, निगाह ये थी कि उधर हजूर वो दो ऊँटों को, और इधर निगाह ये थी कि जब शबे बरात आई ना 15 शाबान की रात, तो घर में एक बेरी लगी हुई थी, आप नीचे बैठे थे, तो एक पत्ता गिरा, तो अपनी रफीक हयात से फरमाने लगे मुजद्दद पाक, कोई तो है जिसने अपना पत्ता गिरता खुद देख लिया है। फरमाया ये मेरे आखिरी दिन हैं, आखिरी साल है, और 63 साल की उम्र पहुंचने से पहले पहले मैं हजूर की हयात तय्यबा ज़ाहिरा से पहले ही दुनिया से चला जाऊंगा, आज मुझे ये भी बता दिया गया है। तो शबे बरात में आपने ये भी ऐलान कर दिया था 63 साल की उम्र में। और एक ये भी है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ात बरकात वाली कायनात आपका रोज़ा आज भी फैज़ तकसीम कर रहा है, और मुजद्दद पाक का रोज़ा भी आज फैज़ान तकसीम कर रहा है, और उसी की किरणें आपको यहाँ भी नज़र आ रही हैं। ये मुजद्दद पाक का पैगाम है,
इल्मी दुनिया में आगे बढ़िए। 5000 से ज़ायद खुलफा की सूरत में आपने उस दौर में मकतूबा शरीफ की सूरत में बादशाहों को कायल किया, वज़रा को कायल किया। आज फिर उस दीन को दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। इसलिए जहाँ हमारे खानका के अकाबरीन इनकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि इस खानका का जो सबसे बड़ा फैज़ान है, इन्होंने अपने मुरीदों को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक ढाल दिया। और इस इदारे का सबसे बड़ा काम यह है इस खानका का कि अपने मुरीदों को तैयार करके उनसे दीनी मदारिस का जाल बिछा दिया। उलमा तैयार किए, हुफाज तैयार किए, सूफिया तैयार किए और पूरे इलाके को इन्होंने रंग दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन खानकाओं से जुड़ जाएं। और ये भी याद रखिए, जो नहीं जुड़ेगा, धमकी नहीं, मैं एक इल्तमास कर रहा हूँ, आज आप में से मेरा, चूँकि पूरी पंजाब के सूफिया नक्शबंद उनका मनहज तरबियत, इस पर मेरा एक थीसिस है बड़ा, इसी सिलसिले में चंद दिन पहले मैं यहाँ हाजिर भी हुआ था। पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त मुझे, मैंने सब खानकाओं का विज़िट किया है, कोई खानका ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ इस तरह तरबियत की जा रही हो। ये खास फैजान तो इस पर अल्लाह करीम की बार गए कुछ में दुआ है, चंद चीज़ें बयान करूँगा। वमा